आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, जिन्होंने वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जुलाई सेशन 2021 में, दोस्तों आपने जुलाई सेशन 2021 में चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, चाहे बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर या यूजी या पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, या जुलाई सेशन 2021 में डिफॉल्टर का फॉर्म भरा हो, यानी जुलाई सेशन 2021 में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट के लिए एग्जाम का टाइम टेबल है वो वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया गया है। हालांकि ये टाइम टेबल वर्धमान महावीर कोटा ओपन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ है, ये वर्धमान महावीर कोटा ओपन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जारी हुआ है, जिसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यह टाइम टेबल जारी होने में थोड़ा वक्त लगता है। इससे पहले वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जनवरी सेशन 2021 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के एग्जाम संपन्न होंगे, और हालांकि उनके जो रिजल्ट है वो वर्धमान महावीर कोटा ओपन काफ़ी कोर्सों के रिजल्ट जारी कर दिए और बाकी वालों के रिजल्ट जारी हुए। अब दोस्तों बात रही है जिन्होंने जुलाई सेशन 2021 में एडमिशन लिया तो उनके असाइनमेंट जमा होंगे या नहीं होंगे, या जमा होंगे तो कब होंगे, तो इसके लिए वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। जब भी अपडेट दिया जाएगा आपको बता देगा। और मेरे अनुसार वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जैसे जनवरी सेशन 2021 वालों के असाइनमेंट के नंबर ऐड किए, उसी प्रकार जुलाई सेशन 2021 वालों के वर्धमान महावीर कोटा असाइनमेंट के नंबर अपडेट कर देगी। और दोस्तों, जुलाई सेशन 2021 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के एग्जाम स्टार्ट हो रहे 30/11/2022, यानी जुलाई सेशन 2021 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स में उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे 30/11/2022 से लेकर, और एग्ज़ाम संपन्न होंगे आपके 24/12/2022 को। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के ऊपर कोड लिखे, उस कोड के अनुसार अपना टाइम टेबल इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।